गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए फिर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। अब आजकल का हाल कुछ ऐसा चल रहा है ना कि ये जो हमारे पति देव है ये दिन भर सिर्फ और सिर्फ बिग बॉस देखते रहते हैं। भाई साहब चस्का लगा दिया है मुझे, मतलब बिग बॉस वाले भी गजब के 24/7 बिग बॉस चालू कर दिया। चलो भाई कोई काम धंधा नहीं, फोन उठा लो, बिग बॉस देखते रहो। गाइस इसका चस्का इन्होंने लगाया मेरे को, क्योंकि मैं कभी बिग बॉस देखता ही नहीं था भाई। लेकिन जो ये सीजन चल रहा था बिग बॉस का भाई, ये देखने के लिए थोड़ा सा मैं एक्साइटेड हो गया था भाई। क्योंकि या तो इस टाइम जो भाई बिग बॉस चल रहा ना वो थोड़ा सा हाई लेवल वाला है, तो देखना तो बनता है गाइस। और पहली बात ना कि इस बार जो बिग बॉस का सीजन है ओटीटी पे आ रहा है भाई, इतना हट के है ना कि सारी जो जनता बटोरी गई है वो ऐसे से छांट कर ली गई है और हम लोगों के बीच में से है। तो हम लोगों के बीच में से मैं किसे पॉइंट आउट कर रही हूँ आप लोग समझ गए होंगे, हमारी प्यारी सी मनीषा राय और हमारे सबसे फेवरेट प्यारे फुकरा इंसान। गाइस फुकरा इंसान की बात करें ना भाई, तो यूट्यूब पे सबसे ज्यादा मतलब फेमस इंसान जिसे मतलब बिग बॉस जैसे बड़े ओटीटी फॉर्म पे बुलाया गया, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं होती गाइस, क्योंकि काफी बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तब जाके आपको बिग बॉस जैसे बड़े शो में बुलाया जाता है। और तो, वो भी जब आपको एक बार में बुला लिया जाए, क्योंकि उसके भी राउंड्स होते हैं जो कि क्लियर करने होते हैं। भाई साहब बंदे ने खटाखट क्लियर कर लिया और मतलब उसको खुद को यकीन नहीं था। नंबर 1 पे रैंक कर रहा था भाई फुकरा इंसान को लोग हल्के में ले लिए, बोले कि छोटा सा यूट्यूबर है भाई क्या कर लेगा बिग बॉस में। लेकिन जब फुकरा इंसान भाई गया बिग बॉस में भाई, नंबर 1 में जब रैंक करने लगा ना सबकी ऐसी हवा गायब हुई ना, और बीच में कुछ चूतिए जैसे लोग आगे बोल रहे भाई इसकी थोड़ी हवा ज्यादा हो गई है। तो भाई उसने जब ये क्लियर किया ना कि ये एक्साइटमेंट है हवा नहीं है, क्योंकि हवाबाजी तो भाई यूट्यूबर्स की चली रही है। गाइज अगर बात करें ना तो हवाबाजी तो चली रही है, और दूसरी बात भाई फुकरा इंसान जो है वो मतलब बहुत जैसे कह सकते हैं मासूम सा, वो हम लोगों की एज के 26-27 नियर अबाउट है, तो उतनी एज नहीं है। तो जो लोग भाई एक एज अचीव कर चुके हैं उनके लिए था कि भाई अरे जवान लड़का है उसकी हवा निकल जाएगी, हम हवा निकाल देंगे। भाई जब वो 1 नंबर पर रैंक किया ना तो अच्छे अच्छे खामोश हो गए। अच्छा हुआ कि कैरी मिनाती नहीं गया, उसकी जगह कैरी मिनाती होता फुकरा इंसान की जगह ना तो उनकी भाई बिल्कुल ही हवा निकाल देता, ऐसी हवा निकालता कि पूछो मत। क्योंकि जो हमारे कैरी है ना वो सिर्फ यही बोलते है कैसे है आप लोग, इससे बड़ा हवा कोई है ही नहीं। और हाँ अगर गाइस बात करें भाई ओटीटी फॉर्म पे अगर बिग बॉस ही तो यूट्यूब से बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ बस हमारे सलमान खान की वजह से ये चल रहा है, तो चलने देते हैं भाई, हम भी एंजॉय करने। मेरे को तो चस्का भाई लग गया है जब से फुकरा इंसान गया, मैंने सुना भाई बहुत मजा आया गाइस सारे, मतलब पर डे में सोचता हूँ एक दो बार मतलब कई एपिसोड आने चाहिए ना, मतलब ये नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू आने चाहिए, मेरे हिसाब 24 घंटे देखना चाहिए, मतलब वो 24/7 लाइव तो है ही। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि घर में होने वाली है कुछ लोगों की एंट्री, तो भाई उनमें से कैरी में आते होना चाहिए बहुत जरूरी है गाइस, और लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई आप किसी बड़े फिल्म इंडस्ट्रीज से हो, बड़े मतलब नेम फेम वाले हैं, अगर तब आप आते हैं बिग बॉस में, अब वहां पे अपना रॉब दिखाते हैं हम ये हैं, और एक कोई मेहनत करके अगर बिग बॉस में जाता है तो उसको लोग हल्के में लेते हैं, ये गलत चीजें हैं। क्योंकि भाई यूट्यूब पे बहुत मेहनत लगती है, उसके बाद कोई पहचानता है। यूट्यूब से जाता है ना, मतलब यूट्यूब पे मेहनत करना आसान नहीं है, आप कोई मूवी बनाते हो भाई उसमें कितने रीटेक ले सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं होता। रीटेक छोड़िए, आपको डायलॉग भी लिखे हुए मिलते हैं, एक्टिंग भी लिखी हुई मिलती, कब हंसना है कब रोना है ये भी लिखा हुआ मिलता है, बट आप जो ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे करते हैं ना भाई साहब वो खुद का ही होता है, खुद ही राइटर खुद ही प्रोड्यूसर खुद ही सब कुछ होते हैं हम लोग। जो बंदा नंबर 1 पे रैंक कर रहा है और उसको नंबर 6 पे लाके खड़ा कर रहा है, ये चीज तो गलत है भाई। आप पहले कहते हो कि ऑडियंस की पोल के हिसाब से आपको रैंक मिलेगी, और बाद में कहते हो नहीं जो हम कहेंगे वो होता है। आप अगर यही सब करना है यार ना तो बंद कर दो भैया बिग बॉस को, और जिसको चाहे उसको बुलाओ उसको नंबर 1 पे रखो, जिसको चाहे नंबर 10 पे रख दो। क्योंकि भाई हमें दुख हुआ फुकरे इंसान को, हम लोगों ने भी वोट किया था इसलिए हमको दुख हुआ, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगी भाई, अगर आपको लगता है कि आपका जो फिल्मी मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है सब कुछ कर रहा है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आ रहे हो भैया, क्या जरूरत है यहाँ पे, हवा तो यहाँ भी चल रही है तभी तुम लोग हवा बनने आ रहे हो, तभी हवा के साथ बहते बहते आप लोग आ चुके हैं यहाँ पर। भाई साहब इतने बड़े बड़े नामी लोगों का यूट्यूब चैनल है ना, इसलिए भाई साहब मान जाइए कि हवा चल रही है, और फुकरे इंसान को इतना मत गिराइए भाई साहब, वो बम है, अगर फूट गया ना तो सब गायब हो जाएंगे। अभी भी नंबर 6 पे कोई मतलब नहीं है, कोई नंबर 6 पे, नंबर 1 पे था उसको नंबर 10 पे रख दो तो भैया 0 का जो डिफरेंस आया ना, तो बम बम ही होता है, उसको आप चाहे नंबर 1
नंबर रखो चाहे नंबर 10 पे रखो, जब फटेगा ना तो आवाज तो आएगी भाई साहब। और गाइस जो मनीषा के साथ हो रहा है ना वो भी बहुत गलत हो रहा है भाई। उस लड़की ने बहुत एंटरटेन किया है, अपनी लैंग्वेज से ही एंटरटेन किया है और आज उसी की वजह से वो पहचानी जाती है, क्योंकि हर किसी का एक अलग पहचान होता है। और उसके अंदर जो सो कॉल्ड बहुत पढ़ी लिखी लोग हैं उसको ऐसे टॉन्ट मार रही हैं कि वो इतनी पढ़ी हुई नहीं है, उसकी लैंग्वेज ऐसी है, उसका एंसेंट ऐसा है। तो भाई साहब अगर आप इतने मैच्योर आए थे वो कितने अच्छे थे। नहीं नहीं, अगर आप इतने मैच्योर हो, इतने पढ़े लिखे हो, इतने इंटेलिजेंट हो, तो आपको ये नहीं पता है कि हर एक कल्चर की एक सभ्यता होती है, एक लैंग्वेज होती है, वो नहीं पता है आपको। आप कैसे उसको टॉन्ट करते हो कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, गवर्नमेंट से पढ़ी, प्राइवेट में पढ़ के तुम भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हो, गवर्नमेंट में पढ़ के वो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे है, क्या नया बताओ भाई, कुछ नया नहीं। तो इसलिए टॉन्ट मत करो, देखो कि वो गवर्नमेंट से पढ़ के इस लैंग्वेज के साथ तुम्हारे लेवल पे खड़ी हुई है, तुम्हारे बराबर है, तुमसे ऊपर ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि तुम्हें बताना पड़ता है ना कि मैं कौन हूं, उसे बताना नहीं पड़ता, वो सिर्फ मुंह से बोलती है कि कोई लड़का तो ऐसा भेजो जो हमको पटा ले, वो अपनी लैंग्वेज से पहचानी जाती है। तो गाइस वेट करते हैं और देखते हैं कि दो नई एंट्री कौन सी होने वाली है बिग बॉस में। आई एम सो एक्साइटेड। और अगर कोई और भी बिग बॉस देख रहा है मेरे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म को, तो भाई साहब कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कौन दो नए चेहरे आने वाले हैं जो पहले रिजेक्ट हो चुके थे। मुझे तो कहीं ना कहीं कंफर्म्ड है कैरी मनाती, नहीं कैरी तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से आना चाहिए भाई, क्योंकि यूट्यूबर की हवा चलना जरूरी है। हाँ बट हाँ ये जरूर है कि भाई यूट्यूबर ही आने वाले हैं, ये तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत देख रखा है, मतलब देखती ही रहती हूँ, तो इतना थोड़ा मिल जाता है हिंट। और आप लोग भी अगर देखते हैं गाइस तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, हम लोग किसी को रोस्ट नहीं कर रहे हैं, बस हाँ ये कहना चाहते हैं कि भाई किसी के साथ गलत मत करो यार। अगर पब्लिक पोल से अगर किसी को नंबर वन पे ले जाना है तो आप उसको रखिए, अगर आप लोग अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो कैसे भी कर लीजिए, कोई मतलब नहीं रहता भाई। फिर ये ना बोलिए ना कि जनता का वोट मैटर करेगा, उनका तो हेडलाइन ही यही है इस बार बिग बॉस का, जनता का वोट मैटर करेगा। भाई हम बेवकूफ जो वोट ये बता दो भाई, हम रोज वोट करते हैं अपने पसंद के लोगों को ही तो करेंगे ना वोट, अगले बंदे को तो नहीं करेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, ऊपर नीचे कर देते हो, ऐसा नहीं चलेगा बिग बॉस। सलमान भाई, सल्लू भाई, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ भाई। तो ठीक है, हम लोग इंतजार करते हैं भाई बिग बॉस के अंदर, आप देखते हैं कौन दो नए बंदे आने वाले हैं भाई। अगर जो भी आएगा भाई बिग बॉस में छाने वाला है, और भाई पुकरा इंसान को मेरा फुल सपोर्ट है भाई दिल से, तो लगे रहना भाई, चाहे नंबर वन हो चाहे नंबर सिक्स हो, सब कोई मैटर नहीं करता, बस सपोर्ट पब्लिक का आप लोगों के साथ है, और बस यही कहना चाहता हूँ। और भाई मैं किसी को रोस्ट नहीं करता, मेरा बिग बॉस से भी कोई लेना देना नहीं है और यूट्यूब से भी कोई झगड़ा नहीं है। चलिए तो मैं भी जाऊंगी बिग बॉस में अगर बुलाया जाए तो। मैं फुकरा इंसान के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि भाई फुकरा इंसान को ऐसे मत करो, किसी को डिमोटिवेट ना करो यार, जो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचा है। और अगर मुझे बिग बॉस बुलाएगा तो मैं भी जाऊंगी, भले मेरी हवा नहीं चल रही है, आप लोग हवा नहीं चला रहे हमारी, लेकिन चलिए मैं भी जाऊंगी। आज की वीडियो को रखते हैं यहीं तक, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन बिग बॉस देखता है, और फटाफट से जाइए फुकरा इंसान को वोट करिए, क्योंकि वी वॉन्ट फुकरा, वी वॉन्ट फुकरा।